मेरी फैमिली तो बहुत ही स्मार्ट हो गई है आई वॉज सो हैप्पी पहले मैं आपके पिक्चर्स और वीडियोस को कंपाइल करके एक वीडियो बनाती थी और फिर आपको दिखाती थी अब तो मेरी फैमिली खुद ही टेक्स्ट भी म्यूजिक भी फास्ट फॉरवर्ड भी एवरीथिंग करके मुझे दे रही है दैट्स फैंटास्टिक आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर योर ब्यूटिफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस सीरीज इतने प्यारे प्यारे रिजल्ट जो ये सारे आप देख रहे हैं मैं लिटरली स्माइली करती रहती हूँ आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के मेल्स पढ़ के आप लोगों के इतने सारे रिजल्ट्स देख के भाई वाह प्रीति प्रेरणा की फैमिली यूनिक है ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशन सपोर्ट और इतना खूबसूरत पार्टिसिपेशन अगर आप मेरे साथ इस सीरीज़ को रेगुलरली डिसिप्लिन वे में सारे डूज एंड डोंट्स को फॉलो करते हुए करते हैं तो आई प्रॉमिस यू कि बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज़ मैं आपके पास थोड़ा सा नॉलेज थोड़ा सा एफ़र्ट करने का वो झील बहुत सारा इंतज़ी छोड़कर जाऊंगी जिससे आप ख़ुद को प्यार करने में एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे भाई सात दिन लगातार कर रहे हैं तो एक छोटा सा एफर्ट करने में आप आलस थोड़े ही ना करेंगे नहीं करेंगे ना अगर आप कोई ऐसे जन हैं जिनको डार्क सर्कल्स की परेशानी है डार्कनेस अराउंड माउथ की परेशानी है स्किन पर किसी भी तरह का डिस्कलरेशन है आपको नहीं पता क्यों है एक्ने की वजह से है हॉर्मोन्स की वजह से है किस भी वजह से है उसको आज हम एड्रेस करने वाले हैं पर हमें तो है ही नहीं अगर आज की रेमेडी करेंगे तो होंगे भी नहीं जी हाँ आपकी उम्र का पता आपकी ना तो स्किन से लगता है ना आपकी फिगर से लगता है पता चलता है तो सिर्फ आपकी आंखों से गदर टू में अमीषा पटेल को देखा आई वॉज सो सो शॉक आई लव डर इनका होना प्यार है लेकिन अभी उनकी जब अपेरेंस मैंने देखी तो आई रियलाइज की आंखें ही होती हैं आपकी उम्र का जो तकाजा बताती हैं तो इसका ख्याल अगर आप अभी से रखते हैं तो आई प्रॉमिस यू कि आपका जो भी एजिंग एजिंग तो सभी की होनी है लेकिन आपकी बहुत ब्यूटिफुली और सही तरीके से होगी एकदम से आंखें झुलसेंगी नहीं वेडी एवरीबडी आइए जानते हैं आज डे नंबर थ्री पर क्या करना है अगर आपने डे वन और टू चेकआउट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाइए चेकआउट कीजिए और फिर वापस यहाँ आइए क्योंकि आज है डे नंबर थ्री प्रेरणा के परिवार के प्रत्येक सदस्य को मेरा सादर प्रणाम और एक स्पेशल शाउट आउट उन सभी लोगों के लिए जो कि ये सीरीज मेरे साथ साथ कर रहे हैं कैमरे को सेट करके एप्लीकेशन करना कितना मुश्किल होता है पता चला इस सीरीज के माध्यम से आप मुझे और मैं आपको थोड़ा सा और जान पा रहे हैं मुझे तो बहुत मजा आ रहा है अब मैं इमेजिन कर सकती हूं कि जुमा जी ने एप्लीकेशन के बाद क्या सोचते हुए ये कॉमेंट लिखा होगा या फिर सौम्या कितना फास्ट टाइप कर रही होगी ताकि वो अपना भी कॉमेंट लिख सके और बाकियों को भी रिप्लाई कर सके है ना सीरीज कितनी कमाल की आप सब का पार्टिसिपेशन बहुत 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 खूबसूरत है थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आती रहूँगी जैसे कि आज की रेमेडी आज मैं एड्रेस कर रही हूँ आपकी आंखों की देखभाल के लिए किसी भी तरह का डिस्कलरेशन अगर आपके चेहरे पर है आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर ये समस्याएँ आपके चेहरे पर नहीं हैं तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये क्या मैजिक आपकी स्किन के लिए ओवरऑल कर सकता है सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सटल uh, हैं हर स्किन टाइप इसको फॉलो कर सकता है लेकिन अगर आप कोई डाउटफुल पर्सन है तो पैच टेस्ट लीजिए तब ट्राई कीजिएगा अदरवाइज दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड रेमेडी ध्यान से देखिए क्योंकि थोड़ा सा करने का तरीका डिफरेंट है तो समझ कर और फिर करेंगे तो आपको पता है कि कितने कमाल के रिजल्ट मिलते हैं तो हमारी आंखें भाई बोल तो नहीं सकती लेकिन रिवर्ट कर सकती हैं कलर चेंज करके इन दैट एरिया और यकीन मानिए कलर चेंज होने में सिर्फ एक दिन लगता है लेकिन उसे रिवर्स करने में महीनों बीत जाते हैं तो थोड़ा सा थॉटफुल रहिए आंखों को रब मत कीजिए गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत कीजिए गर्म पानी या गुनगुना पानी आंखों में बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए अगर इन सब बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आंखों के आसपास होने वाली जो परेशानियां होती हैं इनको आप अवॉइड कर सकते हैं स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए ये भी एक कारण है कि एक ही दिन में आपके आंखों के आसपास सारा का सारा डार्क सर्कल्स हो सकते हैं तो आशा करती हूँ आप सारे डूज एंड डोंट्स फॉलो करेंगे और इसको भी ध्यान में रखेंगे माउथ के अराउंड डिस्कलरेशन होने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं आप गलत लिपस्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं गलत क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं आप गलत टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं आप इस एरिया को ठीक से क्लीन नहीं कर रहे हैं येस दैट कुड बी अ रीज़न अगर यहाँ बहुत ड्राइनेस है तो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन की आवश्यकता है आप पानी कम पी रहे हैं जी हाँ डिहाइड्रेशन भी एक रीजन हो सकता है कि आपको डार्कनिंग हो रखी है जैसे ही बॉडी को हाइड्रेट करेंगे ये सारी समस्याएं गायब हो जाती है इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरा परिवार समझे कि टॉपिकल एप्लीकेशन तो हम कर ही रहे हैं लेकिन अंदर से अपनी बॉडी को खुश रखना स्ट्रेस फ्री रखना एकदम रिलैक्स रखना बहुत आवश्यक है अब हम शुरू करते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है सबसे पहले आपको एक पैन लेना है इसमें एक ग्लास पानी लेना है और इसको उबलने

जो चावल हैं वो कम ईंधन का इस्तेमाल करें सिर्फ एप्लीकेशन फॉर द सेक ऑफ एप्लीकेशन नहीं करना है थॉटफुल रहना है अपने हर स्टेप में कोई ज़्यादा वेस्टेज नहीं करेगा तो चावल को हम भिगा कर रख देते हैं तब तक हम बाकी की चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं जिसके लिए आपको एक छोटा सा कंटेनर चाहिए आप चाहें तो नॉर्मल बोल में प्रिपेयर करके फिर कंटेनर में डाल सकते हैं मैं कंटेनर में इसलिए डलवा रही हूँ ताकि आप मल्टीपल इस... डेज जब आप चाहें तब इस्तेमाल कर सकें अगर आप कोई ऐसे जन हैं जो सिर्फ आज ही के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अब बहुत कम क्वांटिटी में वैसे मैं कम ही क्वांटिटी बना रही हूँ पर ये बहुत लंबा चल सकती है अप्रॉक्सीमेटली टू वीक्स तक और आपको कोई परेशानी नहीं होगी बाकी यू कैन सूट योर सेल्फ सिर्फ आज के लिए करना है तो थोड़ा सा ही बनाइएगा एक कंटेनर में और उसको ही फ्रिज में रख दीजिएगा फिर यूज़ कर लीजिएगा इस तरीके से कर लीजिए अगर बना कर रखना चाहते हैं अपनी आंखों का ख्याल रखना चाहते हैं भाई मैंने तो बना के रखा है एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट लाइक आगे भी तो आपकी मर्जी है टेक योर कॉल कैसे आप चाहते हैं एक कंटेनर में सबसे पहले मैं थिकेस्ट इंग्रेडिएंट से एंड लाइटेस्ट की तरफ जा रही हूँ तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वन कैप्सूल ऑफ विटामिन ई e ऑयल आप चाहें तो कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं तीन से चार बूंद लेकिन विटामिन ई e काफ़ी अच्छा होता है अच्छे से ब्लेंड हो जाता है बाकी चीज़ों के साथ इसीलिए मैंने यहाँ विटामिन ई e ऑयल लिया है एक कैप्सूल का जितना भी कॉन्टेंट है वो आप इसमें ले लेंगे सेकेंड इंग्रीडियंट आपको इसमें लेना है अप्रॉक्सीमेटली वन फोर्थ टेबल ऑफ हनी ये जो चम्मच आप देख रहे हैं ये चम्मच नहीं है ये बहुत ही छोटा सा आ, स्पून है मेरे पास लिटरली किचन सेट में जो होता है बच्चों के वो उतना वैसा ही है और इसमें आपने हनी को डाल के अच्छे से ब्लेंड करते रहना दीज आर वेरी थिक कंटेंस तो आप चाहें तो इनको बीच बीच में स्टर करते रहिए ताकि ये धीरे धीरे लूजन अप होते हुए सारी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए यू नो अच्छे से यूनिफॉर्मिटी की तरफ चले जाएं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर आपको लेना है वो है वन स्पून यही छोटा वाला स्पून एलोवेरा जेल दैट इज़ वन फोर्थ टेबल स्पून अगर आप एग्जैक्टली exactly जानना चाहते हैं एक चौथाई चम्मच और एलोवेरा जेल आप इसमें लेके अच्छे से मिला लीजिए ये जो एलोवेरा जेल है दिखने में थिक लग रहा है पर बहुत ही लिक्विड कंसिस्टेंसी का है अगर आप थिक वाला लेंगे तो ये थोड़ा सा थिकर पेस्ट बनेगा बाकी और कॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है थिक है थिन है अपने आप ही एक दो दिन में वो थिकर ही हो जाएगा अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिला लीजिए एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए ऑब्वियसली थोड़े धीरे धीरे अलग अलग हो जाते हैं पर फिर भी आप अच्छे अच्छे से इसको मिलाते रहिए इसके बाद आपको इसमें लेना है पिंच ऑफ टर्मरिक अब टर्मरिक ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि हमारी आंखें पीली हो गई या यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉरी व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप कस्तूरी हल्दी अगर है जो कि सफ़ेद से रंग की होती है या ऑरेंजिश कलर की होती है और उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है तब तो नथिंग लाइक इट आप एक चौथाई चम्मच यहाँ पर ले सकते हैं लेकिन अगर किचन टर्मरिक ले रहे हैं तो पिंच ऑफ इट लीजिए मैंने किचन टर्मरिक ही लेकर दिखाई क्योंकि हर बार आप लोग बोलते हैं हमारी तो आँखें पीली हो गई मैंने बिल्कुल पिंच ऑफ़ टर्मरिक यहाँ पर लिया है किचन टर्मरिक लिया है और इसको अच्छे से मिला लिया है बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया था और मिलाने के बाद प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से स्टर करें कहीं पे लंप क्योंकि हनी यूज़ हुआ है विटामिन ई यूज़ हुआ है जो हिलते ही नहीं है इतने थिक होते हैं तो अच्छे से कॉर्नर्स को भी स्टर करते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और इसके बाद जब चावल बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाए और लास्ट में थोड़ा सा पानी बचे आप गैस को बंद कर दीजिए और इसको रहने दीजिए जब तक ये ठंडा होगा ये काफ़ी थिक हो जाएगा और इसी थिक को जो राइस जिसको हम मांड का पानी कहते हैं एक बड़ा चम्मच आपको इसमें लेना है जी हाँ राइस वाटर इज गोइंग टू बी डोमिनेंट ह्यर जो ये मैजिक करेगा लि, लिटरली अच्छे से इसको भी मिला लीजिए टाइम लीजिए ताकि सारी चीज़ें एकसार हो जाए जितनी बार अप्लाई करें कोशिश कीजिए एक बार स्टर कर लीजिए फिर इस्तेमाल में लेकर आएँ अब मैं आपको बता रही हूँ इसको इस्तेमाल करने की विधि अगर एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आई प्रॉमिस यू पहले एप्लीकेशन में आपको फील होगा कि मेरी आईज इतनी ज़्यादा यू नो इतना स्टिफनेस आंखों में कभी फील ही नहीं हुआ आंखें इतना ज़्यादा सॉफ्टर कभी फील नहीं हुई क्योंकि कभी ध्यान नहीं दिया पहली बार दे रहे हैं तो और अच्छा रिजल्ट आएगा तो ध्यान से समझिए अब एप्लीकेशन कैसे करना है स्टेप नंबर वन अच्छे से प्लेन वाटर से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए यहाँ पर मैंने मॉर्निंग आज में अपने चेहरे को डी फेस वॉश से धोया था उसके बाद मैंने कोई मॉइस्चराइजर कोई सनस्क्रीन कुछ नहीं लगाया अब जब मैं एप्लीकेशन कर रही थी तो मैंने प्लेन वाटर से पहले वॉश किया प्लेन वाटर से अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेने के बाद आपको चाहिए टू स्लाइसेस ऑफ पटेटो जी हाँ आलू जो आलू घर में अवेलेबल है ना लाल है भूरा है जो भी है वो अच्छे से वॉश करके और फिर दो स्लाइस लीजिए पील करने की भी ज़रूरत नहीं है और इसको अगर आप ऐसे पिंच करेंगे ना हाथों से नेल्स से पिंच करेंगे तो उसका जूस बाहर आएगा ऑब्वियसली बात है ना इसको आपको अच्छे से अपनी आंखों में लगाना है अब देखिए मैं ये ना आपको शॉर्टकट बता रही हूँ क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग हम आलू को आलू का जूस नहीं निकाल सकते अल्टीमेटली हमें पोटैटो जूस यहाँ चाहिए लेकिन क्योंकि आप नहीं करेंगे रोज़ मुझे पता है जिनको भी परेशानी भी होती है वो भी नहीं करते हैं आलस कर जाते हैं इसलिए बस स्लाइस कितना मुश्किल है धोया काटा दो स्लाइस लेके आ गए और इसको अच्छे से अपनी आँखों में बहुत अच्छे से मसाज कीजिए माउथ के अराउंड अगर नोज़ के अराउंड है वहाँ भी ट्राई कीजिए अच्छे से अप्लाई कीजिए मसाज इट वेल आपको फील हो जाना चाहिए कि हल्की हल्की स्टिफनेस होनी शुरू हो चुकी है वंस इट इज़ डन आप स्लाइसेस को हटा दीजिए और हमने ये जो ब्लेंड बनाया है आई क्रीम का इसमें आप अपनी फिंगर को सिर्फ आंखों के लिए रिंग फिंगर्स ही इस्तेमाल होंगी इसके अलावा कोई भी नहीं कोई भी नहीं बाकी सब में बहुत प्रेशर होता है सिर्फ इनमें सबसे कम प्रेशर होता है इसको डिप करेंगे इस आंख पर अप्लाई करेंगे दूसरी फिंगर को डिप करेंगे आंख पे अप्लाई करेंगे जब भी आई क्रीम्स बनाते हैं याद रखिए एक फिंगर जो आपने डिप कर दी है वो वापस उसमें नहीं जाएगी एज सिंपल एज दैट ताकि आप उसको गंदा ना कर दें हो सके तो छोटी पंप बॉटल बहुत मुश्किल में मिलनी बट एनी मिलती है मिनी सो में मिल जाती है आसानी से आप उसका पंप बॉटल में भी रख सकते हैं टू जस्ट अवॉइड कि आप उसको गंदा कर दें टेक योर कॉल और अच्छे से अपनी आंखों पे यहाँ इन प्रेशर्स पर टच कीजिए इन प्रेशर्स पर टच कीजिए और अच्छे से मसाज कीजिए अब ऊपर वाली आंखों में आप दबा तो पाते नहीं हैं तो आप आईब्राउस के नीचे नीचे भी करेंगे ना तो भी आपको आंखों पे इफेक्ट फील होगा डेफिनेटली अच्छे से पूरी आंखों पर इसको मसाज कीजिए एंड नाक के पास अगर डाकनिंग है वहाँ अप्लाई कीजिए माउथ uh, के अराउंड डार्कनिंग है वहाँ अप्लाई कीजिए एंड लेट इट बी इसको अब खुद ही एब्जॉर्ब होने दीजिए हमें सुखाना नहीं है हमें कुछ नहीं करना बस अपने आप एब्जॉर्ब होने दीजिए डन इसके बाद आप जैसे नॉर्मली मॉइस्चराइजेशन करते हैं बस वही आपको करनी है आपको लेना है आपका जो भी नॉर्मल मॉइस्चराइज़र आप फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ले लीजिए और अच्छे से मतलब मॉइस्चराइजर को थोड़ा सा चार्ज कर लिया कीजिए थोड़ा सा यू नो मेल्ट कर लिया कीजिए हाथों में बिफोर एक्चुअली अपलाइंग इट एंड यू विल सी द डिफरेंस जब आप अप्लाई करेंगे एंड देन अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस अब ये जो आई क्रीम हमने बनाई थी हमने सिर्फ आइज और माउथ के अराउंड और नोज़ के अराउंड हमने इसका, इसका इस्तेमाल किया है अगर आपको ऐसे जन है जिनको यहाँ पर डिस्कलरेशन है पूरे चेहरे पर इस्तेमाल कीजिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें वाइप ऑफ नहीं करना क्या पोटेटो एंड एवरीथिंग बिल्कुल नहीं अभी आप देख मैंने कुछ नहीं वाइप ऑफ कर रखा है मेरे चेहरे पे अभी भी है वो जितना भी एप्लीकेशन मैंने किया था तो अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए आपको पता है मॉइस्चराइजर को मिनिमम 15 मिनट्स के लिए अपने चेहरे पर छोड़ना है ताकि वो अच्छे से एक एक सेल को यू नो हाइड्रेट कर सके 15 मिनट के पश्चात आप अपना जो भी सनस्क्रीन फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छे से लगा लीजिए सनस्क्रीन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आप लिप स्टेनर बिंदी नेकलेस पहनिए माइक माइक तो नहीं पहनेंगे आप और उसके बाद यू आर गुड टू गो एंड यकीन मानिए कोई आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ पैची है मैंने आ, आलू लगाया था या समथिंग इट्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब और आंखें आपको इतनी अच्छी फील होंगी ना बट इस पूरी टॉपिकल एप्लीकेशन के बाद भी आपको एग्जैक्टली वैसा ही फील होगा आपकी आंखें इतना टाइट एंड यू नो इतना होलसम फील करेंगे यू विल बी रियली हैप्पी सो प्लीज़ अपनी आंखों का अपने माउथ के अराउंड जो भी परेशानी है उसको आप नेचुरली और बहुत सिंपल वे में यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे पंद्रह मिनट में तो रेमेडी बताई है तो शायद आधे घंटे में हम कर पाएंगे पंद्रह मिनट में मैं रेमेडी डिटेल में बताती हूँ क्या करना है करते हुए दो मिनट में हो जाएगी आपकी एक बार बना के रखना है खाली करते टाइम बस लिया अप्लाई किया थोड़ी देर ब्लिंक किया एंड यू गुड टू गो इसमें क्या परेशानी है कुछ भी नहीं तो और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप सारी सीरीज लेडीज़ के लिए बनाते हैं हेलो ये सारी चीज़ें सब कर सकते हैं जेंट्स कीजिए लेडीज़ कीजिए बच्चे कीजिए कोई ऐसी चीज़ मैं इस्तेमाल नहीं करवा रही हूँ जो कि हार्मफुल हो सकती है जिसमें कोई केमिकल कुछ नहीं है इट्स नेचुरल चीज़ है आलू खाते हो लगा रहे हो दैट्स इट लाइक का बटन दबाकर भी बताइए ठीक है like लाइक करना नहीं भूलना है एवरी सिंगल डे आई एम रिमाइंडिंग यू अभी भी भूल रहे हो ना तो फिर कट्टी फिर तो कुछ नहीं हो सकता भाई आई नो मेरा फैमिली नहीं भूलेगी एंड देर गोइंग टू डू इट फॉर श्योर अगर चैनल पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा फन आपको और कहाँ मिलने वाला है कहीं भी नहीं दिस इज दी अमेजिंग प्रीति प्रेरणा फैमिली जहाँ पर आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं और यू नो यू कैन एन्जॉय योर डी आर आर रेमिडीज सो जल्दी से कर लीजिए मैं आप सभी से मिलती हूँ कल विद डे नंबर फोर प्लीज़ वापस आके अपना एक्सपीरियंस अवश्य लिखेगा कि आपको कैसा फील हुआ बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो भी ट्राई करेंगे तो प्लीज़ डू इट मिलते हैं कल विद डे नंबर फोर एक नई समस्या का समाधान लेकर और आप लोगों के लिए एक रेजुविनेटेड स्किन लेकर मिलती हूं आपसे कल टेक केयर फैमिली वन मोर थिंग अगर आप पोटैटो अपनी आंखों पर नहीं लगा पा रहे हैं तो जो आई क्रीम हमने बनाई है आप डायरेक्टली उसको भी लगा सकते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हाँ पोटैटो यूज करने से वो ट्वेंटी टाइम्स बेटर हो जाती है दैट्स अनदर थिंग लेकिन प्लीज आलस की वजह से अगर पोटैटो नहीं लगा पा रहे हो तो इसको ही भी लगा सकते हो Okay, all the best.